हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरफान सबीरा ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोगों के दुआ के साथ हम सब भी ठीक। तो आज है सैटरडे, तो वीकेंड स्टार्ट हो गया है और ये तीनों गए हैं फिश लेने के लिए। फिर वो आने के बाद हम लोग जाएंगे वेजिटेबल्स लेने के लिए। और कुछ भी सब्जी नहीं है, आलू प्याज या फिर कुछ भी नहीं है मतलब, तो लेने के लिए जाना है। और जहाँ पे मतलब फिश मिलता है ना, तो वो दूसरे साइड में मिलता है, तो इसलिए मैंने बोला ठीक है आप तीनों चले जाओ, मैं तब तक रेडी हो लेती हूँ। मुझे थोड़ा सा काम था, तो जब तक वो आएंगे तो मैं रेडी होकर रेडी हो भी मतलब, तो अभी आएंगे तो हम लोग जाएंगे। अगर मछली नहीं मिला तो हम लोग चिकन ले लेंगे। और हमें कहीं जाना भी है, तो आने के बाद मतलब सब्जी सब लेके आने के बाद दोपहर का खाना खा के जाएंगे हम लोग। Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, ay, ay, a través de la gran oscuridad. तो आज हम लोग गए थे शिवाजी नगर और वहाँ पे बहुत हमें मतलब देर हो चुके थे। हम लोग दोपहर में ही निकले थे, दोपहर मतलब शाम को निकले थे 4 बजे करीब, पर यहाँ पर तो धूप ही था क्योंकि 4:30 से 6:45 तक तो धूप ही रहता है बहुत। फिर अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, 7:30 हुआ है। और आयान का कुछ प्रोजेक्ट का सामान लेना था, सब लेके आए हैं। और आज हम लोग गए थे तो आपको पहले बता दिया था कि हम लोग इनाया का हिजाब लेने के लिए जा रहे हैं करके, तो ये इनाया का हिजाब लिया है जो कल से इनाया जाएगी पढ़ने के लिए। तो मैं तब दिखाऊंगी आपको इनाया को पहनने के बाद कैसे लग रही। तो दो लिया है अभी फ़िलहाल, तो रमज़ान में जाके फिर से लेना है। एक मिनट दिखाने दो मुझे। तो ये एक ग्रीन है, बॉटल ग्रीन बोलते हैं ना ये है, जब पहनेगी तो मैं अच्छे से बताऊँगी आपको। दिखाओ ब्लू, और एक लिया है ब्लू, और दोनों सेम ही है मतलब क्वालिटी बनियान मटेरियल का है और डिज़ाइन अलग है थोड़ा सा। और ये लिया है, कितना लिया था ये दोनों में लगता है, हाँ दोनों के लिए हमने 150 दिया है दोनों को। और मेरे लिए भी मैंने दो दुपट्टा लिया है कॉटन का नमाज़ पढ़ने के लिए, अभी रमज़ान भी स्टार्ट होने वाला है। मेरे पास था ऑलरेडी दो, मतलब मैं सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए यूज़ करती हूँ दो दुपट्टा, बाकी कामों में यूज़ नहीं करती हूँ। तो एक तो थोड़ा सा फट गया है, एक है फिर भी मैंने लिया है, एक वाइट में पर्पल कलर का फ्लावर है और ये थोड़ा सा लेस लगा हुआ है, कॉटन है प्योर कॉटन। और ये थोड़ा सा ऑनियन कलर में है, उसमें भी फ्लावर है। तो बताइए दोनों में से कौन सा अच्छा लगा। तो ये एक हमने दिया है 100 रुपीज़, तो 200 रुपीज़ में दो मिला है। मैंने पहले भी लिया था, बहुत अच्छा है, बहुत इसका क्वालिटी अच्छा है। गर्मी में आप अच्छे से मतलब नमाज पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत लंबा है, चौड़ा भी है, तो अच्छे से कवर हो जाता है। और लिया था मैंने एक डाइनिंग टेबल के लिए, ऐसे ही मिला, लेने वाली तो नहीं थी पर मैंने सोचा ठीक है अभी कम में मिला तो मैं ले लेती हूँ, और फिर से कौन आएगा, गर्मी भी स्टार्ट हो गई है यहाँ पर, और तब तक ईद से पहले तो और गर्मी हो जाएगी और रोज़ा रख के हम लोग नहीं जा सकते, तो इसलिए मैंने ठीक है ईद के लिए अभी से ले लिया है। तो ये डाइनिंग टेबल के लिए लिया है, तो ईद में बिछाऊंगी तो मैं तब दिखाऊंगी आप लोगों को। और एक शोपीस लिया है जो मुझे पसंद आया, मैं बहुत पहले से लेने वाली थी ऑनलाइन में, मैंने देखा नहीं था यहाँ पे कहीं पे भी स्टोर में, पर आज मिला तो मैंने ले लिया है। तो ये आर्टिफिशियल ऑनियन है, जो एक है पिंक मतलब ये ऑनियन कलर का और एक है वाइट में, बहुत अच्छा है ना, मैं किचन में लगाऊंगी मैं बोल रही हूँ, पर ये बोल रहे हैं यहाँ पर किचन के डोर के पास से लगा दो, तो देखेंगे कहाँ पे होता है, जब लगाऊंगी मैं तो आप लोगों को दिखाऊंगी। ये थर्मोकोल है शायद से, बहुत अच्छा है, इसका क्वालिटी एकदम हल्का है, तो इसको डेकोर करने के लिए अच्छा है। और इसको अमेज़ॉन या फिर आपको फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा, पर मैंने नहीं, अगर आप बेंगलोर से हैं तो शिवाजी नगर में जाइए तो शिवाजी नगर में मिल जाएगा आपको। और ये मैंने लिया है, उन लोगों ने बोला था 150 करके, पर अभी कोरोना की वजह से सबको शायद थोड़ा सा ये चल रहा है, पर उन्होंने 120 में दोनों ले लिए, तो 60 करके लिया है।
तो अच्छा है, पर अमेजोन में मैंने सर्च किया आने के बाद तो बता रहे कि दो के लिए 359 या फिर कुछ ऐसा, तो देखिए आपको, पर अच्छा है सजाने के लिए। और इतना ही लिया, सबने आइसक्रीम खाया, आयन ने भी आने के बाद थोड़ी देर पढ़ लिया है क्योंकि परसों से उसका एग्ज़ाम है, कल रिविज़न टेस्ट है, परसों है सोशल साइंस स्टार्ट हो जाएगा। और अभी दोनों पढ़ के खेल रहे, और ये गए हैं रूम में, है मतलब रहने हैं रूम में हैं, रील्स का वीडियो बना रहे हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए ये वीडियो बनाने में बिजी है, तो मिलेंगे इनको, इनके पास टाइम ही नहीं है बात करने के लिए, है ना, थोड़ी देर बाद बात करोगे ना। नहीं, बहुत थक गए थे क्योंकि आज पूरा दिन मतलब बाहर थे, तो बस शाम को अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं सोचा थोड़ा सा रील्स बना लूँ, तो उसी के लिए बस। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में नहीं, अगर शायद हुआ तो ये वीडियो में मिलेंगे। हाँ, मैं तब तक मैं जाके खाना बना लेती हूँ, मैं तो अभी बनाने वाली हूँ, कल फिश लेके आए थे तो मैं फिश बनाऊँगी, फिश करी बनाऊंगी अभी, रोहू और आयला दोनों का, क्योंकि बाप बेटे खाएंगे आयला, मैं और इनायत खाऊंगी रोहू। तो हम लोग के घर में फिश करी या फिश ग्रेवी भी बनाते हैं ना, तो मछली को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं उसके बाद ही खाते हैं, क्योंकि नहीं तो किसी को भी पसंद नहीं, मुझे भी पसंद नहीं, किसी को भी पसंद नहीं। और इस टाइम में मैं अभी फिश का करी रेडी कर लूँगी, तब तक फिश फ्राई हो जाएगा। इस फ्राई में मैंने थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च और नमक डाल के अभी थोड़ा सा फ्राई कर दी है। और एक चीज़ भी काफ़ी हो जो साउथ में मिलता है, बेंगलोर में मिलता है गर्मियों के मौसम में, या फिर साउथ में भी मिलेगा, मतलब ये किनको पता है किनको पता नहीं है, बोली हमने नहीं लाया है, हमारा ओनर ने दिया है घर का, इसे आइस एप्पल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में मुझे पता नहीं, और बाकी लैंग्वेज में मुझे पता नहीं, मैंने पहले देखा है यहाँ पर बेचते हुए, गर्मी में निकलता है ये गर्मियों के सीज़न में, और पेट के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, ठंडा रहता है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा जैसा ये मलाई वाला नारियल होता है ना, तो उसका पानी पीने के बाद जो मलाई निकलता है ना, थोड़ा उसका टेस्ट थोड़ा सिमिलर ऐसा ही है, पर बहुत अच्छा है टेस्ट। तो कल उन्होंने हमें दिया था 5 पीस दिया था, तो अभी 2 बचे हैं, क्योंकि ये इन्होंने अभी तक नहीं खाया है, आयन को पसंद नहीं है, आयन ने टेस्ट किया था, इनायन ने खाया है, इनायन को पसंद हुआ और मुझे भी पसंद हुआ तो मैं खा रही थी, तो अभी 2 है, ये छिलके के साथ है, फ्रिज में रख रही थी, मैं आपको दिखाने के लिए निकाल के लाई हूँ, तो मैं छिलके को उतर के दिखाती हूँ। अगर आपके वहाँ पर भी मिलता है तो आप कॉमेंट में बताइए आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। और ये नॉर्थ साइड में नहीं मिलता है मुझे जितना पता है, मतलब आसाम में तो नहीं मिलता है, और मिला है तो भी आप लोग बोलिए कि आसम में अगर मिलता है तो, या फिर कोई भी नॉर्थ साइड में मिलता है तो इसे क्या बोलते हैं। तो मैं इसके छिलकों के निकाल के आपको दिखाती हूँ। और मैं फिश करी के लिए तेल गर्म हो गया, मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ फिश करी बनाने के लिए, या फिर फिश ग्रेवी बनाने के लिए, तो थोड़ा सा काली राई राई है ना, तो वो डाल रही हूँ मैं, तेल गर्म हो चुका था। इग्नोर कीजिए, थोड़ा गंदा है क्योंकि फिश करी बनाने के टाइम फिश चलते हैं तो मछली तो पूरा गंदा ही होता है, ये बनाने के बाद सब कुछ धो लेंगे। थोड़ा सा साबुत जीरा, और यहाँ पे है थोड़ा सा करी लीव्स, करी पत्ता, लहसुन, थोड़ा सा कूट लिया था, तो दोनों एक साथ में डालूंगी, तब जब करी पत्ता डालूंगी तो फिर गैस को फिर में रख लूंगी। फिश ग्रेवी में हम लोग जिंजर नहीं डालते हैं, अदरक सिर्फ लहसुन ही डालते हैं, कोई कोई लोग डालते हैं, तो हम लोग नहीं डालते, नॉर्थ साइड में नहीं डालते, ये साउथ साइड मसाला पता नहीं है, पर मैं आज थोड़ा सा नॉर्थ साउथ कैसे बना रही हूँ, और गर्मी है अभी, ऐड कर रही हूँ 1 प्याज, चॉप कर दिया था मैंने, आपको ये दिखा देती हूँ, एक मिनट।
सुबह शुभ नहीं है, कहाँ है सुबह शुभ? तो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन तक भून लूंगी और इसमें मैं मसाला बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, हल्दी, कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी। मसाला मैं अभी डाल दूंगी, बहुत मेहनत भी नहीं लगता है और बहुत जल्दी भी बनता है, बहुत टेस्टी भी बनता है। मसाला का स्मेल भूनने के लिए थोड़ी तक देर तक भून लूंगी इसको। मसाला भून गया तो मैं इसमें भी दो टमाटर मैंने पीस लिया था वो ऐड कर दूंगी। नमक भी अभी डाल लूंगी मैं, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा शक्कर। तो जिनको पता है तो पता ही होगा, पुराना व्लॉग्स देखा होगा तो उनको पता ही होगा, कभी कभार दिखाने के लिए भूल जाती हूँ, पर मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ थोड़ा सा एक चुटकी शक्कर डालती हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि रिश्तों में खटास ना आए इसलिए डालते हैं, और पर बेसिकली मुझे इतना पता नहीं है पर मैं डालती हूँ। मैं तो यही मानती हूँ कि रिश्तों में खटास ना आए इसलिए डालते हैं, तो एक चुटकी डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा मसाला को मैं तेल छोड़ने दूँगी, उसके बाद मैं इसको पानी नहीं डालूँगी, इसमें मैं इमली का पानी डालूँगी। तो ये रहा इमली, तो इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। आपके पास जो भी इमली है आप ले सकते हैं, इसको आधा घंटा पहले या फिर 15 मिनट पहले पानी में भिगो के रख दीजिए। इसको अभी हाथ से ही मिक्स करके इसका पल्प निकाल लेंगे, इसके बाद ये ऐड करेंगे। इतना पानी नहीं और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, जितना ठीक आपको ग्रेवी या फिर करी चाहिए तो उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी रेडी होता है, मैं तो आपको छिलके मैंने निकाल लिया है तो मैं दिखा देती हूँ आपको आइस एप्पल, तो बिना छिलके के कैसे दिखते हैं। तो ये देख सकते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है, एकदम सॉफ्ट, जैसे लीची होता है ना लीची, तो लीची के जैसा ही है पर टेस्ट अलग है, पर बहुत अच्छा है पेट के लिए। एक बार ट्राई कीजिए अगर वहाँ पे मिलता है तो, कहीं पे भी आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ पे मिलता है तो एक बार ट्राई कीजिए, और आप अगर किसी ने ट्राई किया है तो बोलिए कैसा लगा। हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है पर मुझे और इनाया को बहुत पसंद आया है। आयान को तो वैसे भी कुछ भी चीज़ इतना पसंद नहीं आता है, वो खाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, पर बहुत अच्छा है। ये क्या है ना, एक किसी किसी में मतलब पल्प जैसा रहता है और किसी किसी में थोड़ा सा पानी जैसा रहता है। ये मतलब टमाटर गल गया है, टमाटर तो ऑलरेडी मैंने पेस्ट करके ही डाला था, तो अभी मैं इसमें इमली का पल्प निकाल के इसको डाल दूंगी। आपको जितना खट्टा पसंद है ना उतना ले लीजिए। 2 मिनट आ रही हूँ, बुला रहे रील्स बनाने के लिए, देखिए कैसी हालत में, वैसे ही बनाऊंगी रील्स। कभी कभार चल जाता है, कभी कभार नहीं, मेरे साथ हर टाइम चल जाता है, मैं जैसे रहती हूँ वैसे ही बना लेती हूँ। कभी कभार ही मेकअप करके बनाती हूँ, मूवी धोना है मेकअप है पूरा, तो इसका पानी डालूंगी, नहीं डालूंगी। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, ये बहुत ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको पतला करूंगी क्योंकि मैं अभी बना रही हूँ करी, ग्रेवी नहीं बना रही हूँ, और दाल भी मैंने नहीं बनाया था। अगर आपने दाल बनाया तो सिर्फ थोड़ा ही पानी डालिए, ग्रेवी जैसा रहेगा अच्छा रहेगा। और उबल आने के बाद मैं फ्राई किए हुए फिश को डाल दूंगी, आप चाहे तो कच्चा फिश भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे फिश करी बनके रेडी है, तो मैं बच्चों को खाना दे दूंगी। देख सकते हैं मैंने इतना ही थिक ग्रेवी रखा है, बहुत टेस्टी और इनमें बनता है। तो यहाँ पे सब लोग ब्रश कर रहे हैं, आयन का भी ब्रश करके हो गया, अभी फिंगर से थोड़ा सा मसूरों को थोड़ा सा ऐसे अंदर करना, हाँ। और इन आयन ने भी ब्रश कर लिया, पानी को बंद करो, पानी वेस्ट हो रहा है। इनको भी अभी ब्रश करना है, इनाया ने ब्रश पास में रख दिया है लाके, तो ये भी अपना काम थोड़ा सा है ये ख़त्म करने के बाद ब्रश करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे सोने के लिए। और इसी के साथ आज का ब्लॉग्स ख़त्म करेंगे, तो मिलेंगे कल एक नया ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय 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 बाय।